इसमें मुझे सिर्फ आपसे संवाद स्थापित करना था, इट वॉज ए टफ जॉब। दूसरे सेशन में आई पी डिग्नेटरी चीफ गेस्ट और आज की कीनोट स्पीकर हमें संबोधित करेंगे आरडीआई से संबंधित, प्रेस से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित व अन्य सोसाइटी के से संबंधित चर्चा होगी। तीसरा सेशन, जब ये दूसरा सेशन मुकम्मल हो जाएगा तो वो एक इनफॉर्मल नेचर का है, जिसमें हम आरडीआई पे डिस्कशंस कर सकते हैं, काइंड ऑफ वर्कशॉप हो सकती है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है। इस सेशन में, थर्ड सेशन में भी हमारे डिग्नेटरीज वेलकम है, लेकिन ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मुझे लगता है उन्हें जाना पड़ सकता है, बट दे आर वेलकम टू स्टे। है दोस्तों, आज नेशनल प्रेस डे पर एक मेरा आग्रह रहेगा कि हम पेसिमिस्टिक, निराशाजनक बातों को अवॉइड करें। और ये बात ठीक है कि फ्लेवर ऑफ द सेमिनार विल बी लाइट, लेकिन इट शुड बी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। बातें इसमें बहुत गंभीर होंगी, लेकिन हम निराशाजनक ना रहे, आज के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आग्रह करूंगा आज के मेन प्रोग्राम को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूज मीडिया एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र संधू जी को कि वो आके अपनी वेलकम स्पीच में लेकर स्वागत है। सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र भाटिया, राम राम सबको। बिल्कुल हाँ, टाइम किया बिल्कुल सारा बिल्कुल। आप नेशनल प्रेस डे, माय ग्रीटिंग्स एंड फेलिसिटेशंस टू वन एंड ऑल। दोस्तों, इट वाज अ टफ जॉब। दूसरे सेशन में आईबी डिग्नेटरी चीफ गेस्ट हैं, वो एक दूसरे को इमेज करके हम सबको जानकारी देंगे। एक मेरा आग्रह रहेगा कि हम पेसिमिस्टिक, निराशाजनक बातों को अवॉइड करें। ये जो अधिकार है, इसका मकसद था कि जो सोए हुए होते हैं उनको जगाना और वास्तविकता तक आम लोगों तक पहुंचाना। तो हम तो कानून लागू करने वाली एजेंसीज हैं, तो ये कोर्ट करने वाली बातें नहीं रहेंगी। आप लोगों को पहले बता दो, सजेशन दे देता हूं इसमें, क्योंकि एमपी साहब बैठे हैं और इनकी एक अपनी पहचान है, इनकी एक अपनी डायनामिक छवि है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो अधिकारी रखने की बात हो रही थी कि जो आरटीआई आप अधिकारी नियुक्त करें हर डिपार्टमेंट में, वो एटलीस्ट लीगल पर्सन हो। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन कि लॉ क्वालिफाइड होगा तो वो क्या देगा क्या नहीं देना। इसका 20% मुझे नहीं लगता कि 3 या 4% से बात हुआ अभी तक इसका कोई प्रसार या प्रचार हुआ हो या यूज हुआ हो, क्योंकि इसका यूज जिस दिन प्रॉपर हो जाएगा तो उस दिन तो लोग काम ठीक करना शुरू। 2005 को ये कानून देश में बना 6 साल पहले, इसके अंदर बाकायदा समय निश्चित किया गया कि कोई भी नागरिक इस देश का सूचना मांगता है तो उसे 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध होगी। यदि 30 दिन के अंदर कोई सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं करवाता तो उसके खिलाफ प्रथम अपील का प्रावधान किया गया। अगले 43 दिन के अंदर यदि प्रथम अपील अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते तो कमीशन के अंदर उसकी शिकायत होगी या द्वितीय अपील होगी। हर स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन बने हुए हैं, सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय सूचना आयोग बना हुआ है, स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके फैसले के खिलाफ केंद्र के कमीशन में कोई शिकायत या अपील नहीं। उस कमीशन के फैसले के खिलाफ केवल हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हरियाणा के अंदर फार्म ए लागू, हरियाणा सरकार ने सूचना प्राप्त करने के लिए फार्म ए लागू किया। सेंटर में कोई फार्म नहीं, बिल्कुल प्लेन पेपर, साफ पेपर आप लें, उसके ऊपर आप सूचना के लिए एप्लीकेशन लिखें, 50 रुपए फीस
उसको लोटन बैंक ड्राफ्ट या ट्रेजरी चलान के माध्यम से आप जमा करवाएं। आप दस्ती जमा करवा सकते हैं, आप बाई पोस्ट भेज दें और जिस दिन आप उसको पोस्ट करेंगे उसी दिन से फीस देना गिने जाए। इसमें जाके लेंगे या आपको रजिस्टर्ड डाक से अपने घर पे चाहिए वो आप नीचे लिखते हुए फ्री और रिस्पॉन्सिबल फैसले हिंदुस्तान के अंदर और जो हमारे नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य अगर किसी भी प्रोफेशन में नहीं है तो फिर उस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, तमाम तरह के विरोधाभास होंगे और जो मकसद किसी भी संस्था का और किसी भी उसका है उसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो नैतिक मूल्यों की और वॉचलोग की तमाम चीजें उसकी कल्पना करते हुए इसको एग्जिस्टेंस में सरकार और आप लोगों के प्रयास होते, सरकार को एक संसद को एक उसमें मध्यस्थता संसद ने की, एक संसद का काम है तो एक पास करना, लेकिन आप लोगों के फ्रीडम को भी और पूरा ये जो सिस्टम है प्रेस जिससे गवर्न होता है उसको मजबूत करने की दिशा में काम हुआ और लगातार 50-55 वर्षों में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से बहुत मैं समझता हूँ कि प्रेस वालों को भी ताकत मिली और पत्रकारिता भी लगातार आज आगे बढ़ी है। और अगर लोकतंत्र के हम हमेशा चौथे स्तंभ की बात करते हैं तो आज एक जिस तरीके से तेजी के साथ मीडिया का विकास हुआ है तो उस तरीके से चौथे स्तंभ की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ती रही है, चाहे वो किसी भी आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा। खासतौर से वैसे तो हमारे साथी अभी कह रहे थे कि भाई ये तो बच्चा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, लेकिन जो बच्चा है बच्चे ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करी है और बच्चा आज बहुत ही अपने आप को एस्टेब्लिश भी बच्चे ने किया है और बच्चे को एक अलग स्थान आज हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में एक अलग स्थान। राइट टू इंफॉर्मेशन और पत्रकारिता दोनों का आज इस तरीके की हमारे देश में स्थिति है उसके संदर्भ में अगर देखें तो दोनों का बहुत एक अटूट संबंध है। और पत्रकारिता को मैं समझता हूँ जब से आरटीआई आई है और ज्यादा ताकत मिली, हमारे साथियों ने कहा भी अभी भी कि एक अचूक हथियार हमें मिला है इसके माध्यम से। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना कि और ये चर्चा भी अक्सर होती है कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है, आज भी अभी हमारे किसी साथी ने कहा था आरटीआई और इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी एक्ट है किस कंट्री का, आपने कनाडा का जिक्र किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये आया एग्जिस्टेंस में 2005 की आप सब चर्चा भी कर रहे थे अभी, उस समय भी ये बात महसूस की गई थी कि हमने जो हमारा आरटीआई एक्ट है सारी चीजों को देख करके बहुत पावरफुल एक्ट बनाया था और वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ये सोच करके इसकी पूरी कल्पना की। कुछ कमियां हमेशा रहती है और वो धीरे धीरे अमेंडमेंट होते रहते हैं, कुछ अमेंडमेंट अब जो बात चल रही है मैं समझता हूँ कि ये केवल हम ये ना सोचे कि अमेंडमेंट केवल नेगेटिव एक कॉन्टेशन है और नेगेटिविटी उसके अंदर या पावर जो है आरटीआई के माध्यम से जो लोगों को मिली है आम लोग आदमी को मिली है उसको कंटेन करने के लिए उसके कुछ पॉजिटिव साइड भी हो सकते हैं। हरियाणा में हरियाणा के लिए प्रधान है हमारा गौरव है। दूसरी बात कॉपी मान लिया जाए साथियों से करना चाहता हूं कि अगर हम अपने आप को बहुत सबसे लेट आए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और बहुत प्रभावशाली ढंग से अपने आप को एस्टेब्लिश करके दिखाया है ये भी इनको कल आपने उड़ाई आज है वहाँ मेहमान है बाकी लोग बड़ा अच्छा आपका शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत अच्छी तरह ये बड़ा ही टफ डिस्ट्रिक्ट है नहीं सर मंडल स्तर पर के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए आज पत्रकारिता दिवस के इस मौके पर यह जो छोटा मेरा एक जो निवेदन है लेकिन हम निराशाजनक ना रहे आज के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार से मांगी 2004 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने लेकिन दो आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है सुभाष जी इन्होंने 2006 में आरटीआई के माध्यम उसके बाद 2007, 2008 इन्होंने फिर मांगा 2009 में मैंने मांगी। सरकार क्या दे सकती है
ये बातें डिबेट की हैं बहुत लंबा, तो जो दिल के दर्द है वो बाहर आ ही जाते हैं। क्योंकि सूचना का हमारे पत्रकारों के लिए एक्रेडिटेशन की सुविधा, मीडिया पॉलिसी, हमसे सरकार ने कई बातें की, लेकिन पत्रकारों से जो मुद्दे हैं पत्रकारों के, वो संसद में भी उठाएं ताकि हमारी बात को